वेलकम बैक फ्रेंड। तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच यहां पर आज बिहार में सीएम की सर्वदलीय बैठक समाप्त हो चुकी है और यहां पर उन्होंने संकेत में कह दिया है कि बड़ा फैसला लेंगे, कल दोपहर में सारे फैसले को सुनाएंगे। तो इसलिए सभी को कहना है कि जितने भी आवश्यक चीज़ें हैं, जरूरी काम है, निपटा लें, क्योंकि कल यहाँ पर बड़ा फैसला होने जा रहा है। आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डिटेल्स में क्या फैसला होगा, क्या तैयारियां करनी है। सभी को स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विद्या बिहार कंपटीशन क्लासेस में। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खास खबरों की नोटिफिकेशन हम आपको सबसे पहले देते हैं। आइए आपके लिए चलते हैं न्यूज़ में लेकर, जहाँ पर आपको बताते हैं कि बिहार में कोरोना महामारी का प्रकोप इस समय जारी है और कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर आज राज्यपाल की अध्यक्षता में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने साफ संकेत दिया है कि सरकार कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और फिर बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ बता दिया है कि फैसला हो गया है, कल रविवार को दोपहर में लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में सभी दल के नेताओं ने अपनी राय दी है। अब दिए गए सुझाव की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप समीक्षा करेगी और उन्होंने आगे बताया कि रविवार को हमने सभी जिलों के DM के साथ बैठक बुलाई है, उसमें भी पूरी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद कल जो निर्णय लिए जाएंगे, इसके बाद में रविवार दोपहर बाद जानकारी दी जाएगी। बिहार में कोरोना से बिगड़े हालात को लेकर CM नीतीश कुमार ने कहा है कि लगातार संख्या बढ़ रही है, कल से आज और भी ज़्यादा संख्या बढ़ी है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जो निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा वहां तक लिया जाएगा। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में सरकार ने जो भी पक्ष रखा और अन्य पार्टियों के नेताओं ने जो सुझाव दिए उसे जिलाधिकारी और SP के साथ साझा किया जाएगा। इस बैठक के बाद बिहार में संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाने की घोषणा की जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की भी मौत हो चुकी है, ये सरकारी आंकड़ा है, जबकि मौत और भी ज़्यादा हो सकती है। तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1853 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। तो राज्य में फिलहाल यहाँ पर स्थिति कुल मिलाकर अच्छी नहीं है, लेकिन किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सभी को तैयार रहने के लिए कहा गया है और यहाँ पर कोई बड़ा फैसला होगा तो कल यहाँ पर दोपहर बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कि बताऊँगा कि सारी बातें क्या कुछ निर्णय लिया गया है। बने रहिए इस चैनल में और लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, हर तरह की खबरों की नोटिफिकेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। मिलते हैं एक और खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।